एसएन सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल पर फर्जीवाड़े का आरोप। एसएन सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल श्रीगंगानगर के फर्जीवाड़े की जांच की मांग को लेकर एवं दोषी चिकित्सक पर मुकदमा दर्ज कर पीड़िता मंजू सिंह को न्याय दिलाने की मांग को लेकर जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष चल रहा अनिश्चितकालीन धरना आज 10वें दिन भी जारी रहा। आज रोहित बिश्नोई के नेतृत्व में पीड़िता मंजू सिंह और युवाओं ने सिहाग नर्सिंग होम से लेकर शहर की मुख्य सड़कों से होते हुए सीएमएचओ कार्यालय तक पैदल रोष मार्च निकालकर सीएमएचओ कार्यालय और कलेक्ट्रेट पर उग्र प्रदर्शन कर सीएमएचओ एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। रोहित बिश्नोई ने सीएमएचओ पर चिकित्सा माफिया को संरक्षण देने के गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता मंजू सिंह ने दोषी चिकित्सक पर कार्यवाही नहीं करने की स्थिति में अनशन पर बैठने की चेतावनी दी। नव भारत समाचार श्रीगंगानगर से साहब राम की रिपोर्ट। मैं पिछले 10 दिन से धरने पे बैठी हूँ और कलेक्टर साहब ने अभी कोई कार्रवाई नहीं की और ना ही चिकित्सालय ने अभी हमारी जांच दी है। आज हम फिर एडीएम साहब से मिले हैं और मेरी कोई सुनवाई नहीं है। अगर इन्होंने सुनवाई नहीं की तो मैं भूख हड़ताल पे बैठूँगी। आपका नाम मंजू।